गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फिश के बारे में जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और अमेजिंग फिशेस है। तो देखिए, ये है फाइटर फिश, बेटा फिश। इसका नाम है बेटा फिश, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं इसको लोग फाइटर फिश क्यों बोलते हैं। मेरे इतने बड़े एक्वेरियम होने के बावजूद भी मैंने एक छोटे से डब्बे में इसको रखा है, क्योंकि ये फिश जो है बहुत ही फाइटिंग करती है और इसका नाम ही है फाइटर फिश। तो देखिए, ये जो फिशेस है आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा मूव नहीं करती है, स्लो ही रह रही है, स्लो मूविंग फिश है। तो ये फिशेस की सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि नदी में रहती है तो नदी में बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है, तो हम यहाँ पे कम से कम कितना स्पेस दे सकते हैं। तो देखिए, फाइटर को ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होता। बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो छोटे से पॉलीथीन में, छोटे से गिलास में, और बहुत छोटे छोटे मैंने देखा है बहुत सारे दुकानदार को बहुत छोटे छोटे स्पेस में रखे, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है। अगर किसी इंसान को आप जेल में अगर डाल दिया जाए तो वो इंसान जेल में जिंदा रहता है पर वो उस तरह से जीता नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि गिलास में रख के बेटा फिश के लिए बेहतर है, तो आप रखेंगे, जिंदा तो रहेगी पर वो उस तरह से लाइफ को नहीं थ्राइव कर पाएगी, लाइफ को नहीं जी पाएगा। तो देखिए, ये है फाइटर बेटा फिश। तो सबसे पहले इसके अगर हम अगर इसकी बात करें तो मिनिमम MTS, मिनिमम टैंक साइज, तो आप करीबन 2.5 गैलन, 1 US गैलन इक्वल टू होता है आपका 4 लीटर, यानी आप 10 लीटर मिनिमम 10 लीटर पानी आप जरूर दें। तो इस मेरे एक्वेरियम में करीब करीब 3 लीटर पानी है, फिर भी ठीक ही है 3 लीटर, ये उतना भी बुरा नहीं है। तो 3 लीटर वाटर इसमें है, तो ये हो गया आपके वाटर की बात। आप बड़े स्पेस में भी रख सकते हैं फाइटर फिश को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 3 फीमेल और 1 मेल को रख सकते हैं, 3 फीमेल पर 1 मेल रखेंगे तो एक बड़े से साइज में 4 बेटा फिश देखने में अच्छे लगेंगे। और ये फिश इतने ज़्यादा अटैकिंग, मतलब इसका नेचर की हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि इसका नेचर बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, यहाँ तक कि ये फीमेल बेटा फिश को भी नहीं छोड़ता है ये, यहाँ तक कि अगर आप 1 मेल और 1 फीमेल डालते फीमेल तक को भी मार देता है, ये महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ता है ये फिश। इसका नाम इसी कारण से फाइटर फिश पड़ा है। तो कहा जाता है कि आप 3 फीमेल पर 1 मेल, फिर तो अगर आप 8 फिश रख रहे हैं तो 6 फीमेल 2 मेल इस तरह से रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेल फिशेस रखेंगे तो आपस में फाइट कर लेगा। ज़्यादातर जो एक्वेरियम के फिशेस होते हैं वे दूसरे स्पीसीज के साथ फाइट करते हैं, अपने स्पीसीज के साथ कम फाइट करते हैं, चूँकि ये गुरामी के अंदर ही आते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि फाइटर फिश गुरामी के अंदर आता है, तो ये गुरामी के अंदर आता है। गुरामी वो फिशेस होते हैं जो अपनी स्पीसीज के साथ फाइट करते हैं, तो ये अपनी स्पीसीज में फाइट करते हैं। ऐसे फाइट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे टेरिटोरियल बिहेवियर, पहला फाइटिंग का, तो इसका बहुत ज़्यादा हाईली टेरिटोरियल बिहेवियर है कि मेरा इलाका है। और फिर ये इसका ब्रीडिंग, हाँ ब्रीडिंग पर्पज़ के कारण भी ये दूसरे मेल बेटा फिश को मार सकते हैं। तो इसके हमने नेचर की बात कर लिया है, इसके MTS मिनिमम मिनिमम टैंक साइज की बात कर लिया। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आखिर ये कितना एग्रेसिव है। तो चूंकि मैंने जो एंजल फिश डाला था एक छोटे से बॉल में, चूंकि लोग छोटे से बॉल में रखते हैं तो फिशेस का लड़ाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैंने छोटे से बॉल में रखा 1 एंजल फिश, फाइटर फिश और टेट्राज गुरामी, गुरामी नहीं रखा था, तो गुरामी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने एंजल फिश, फाइटर फिश, टेट्राज रखा, तो टेट्राज को भी साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइटर फिश की। तो जैसे ही मैंने फाइटर फिश को डाला और एंजल फिश को, तो फाइटर फिश कम से कम पूरा राउंड मारने लगा था उस बॉल में, करीब करीब 1 सेकेंड में कम से कम 4 राउंड बॉल में, सोचिए 1 मिनट में लगभग 300-500 राउंड मारने लगा था ये। चूँकि एंजल फिश होते बहुत एग्रेसिव फिश होते हैं, तो उसके बारे में एक दूसरे वीडियो बनाएंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो इस फाइटर फिश को एक और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मिल गया, जिसके कारण से ये और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। तो क्योंकि इसको बचने के चांस इसने देखा कि बहुत कम है, ऐसे तो ये स्लो मूविंग फिश है और फाइटर फिश है, फाइटिंग फिश है। तो चूँकि एक फिश और आ गया था एंजल फिश, जो कि चूँकि वो खुद ही एग्रेसिव है, तो उसे देख के ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो आप इसका अगर कोई क्वेश्चन करता तो इसका टैंक मैट्स क्या है, तो इसका कोई टैंक मैट्स शायद ही कोई हो, क्यों टैंक मेट्स आपका प्लेकोस हो सकता है, सकर माउथ जो फिश है वो हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्नेल मैंने डाला था एक्वेरियम में, उस स्नेल को कोई भी एग्रेसिव फिश नहीं मारा था, फाइटर उसको भी जाके मारा, स्नेल को भी, उसके नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा निकला था स्नेल का, तो वहाँ पे भी जाके ये उस पर
ये अटैक किया। अगर आप फाइटर फिश को बहुत सामने से देखते हैं, नजदीक से माइक्रोस्कोप से, तो आप देखेंगे उसका चेहरा बहुत खतरनाक है। लोग साइड से देखते हैं तो लोगों को लगता है खूबसूरत फिश है, पर आप सामने से देखते हैं तो ये बहुत ही मॉन्स्टर टाइप का दिखता है, ये बहुत ही मॉन्स्टर फिश है। बहुत सारे इलाके देश में फाइटर फिश और सिटलिट के साथ फाइट कराया जाता है, छोटे वाले सिटलिट के साथ। हमेशा सिटलिट ही जीतते हैं, तो लेकिन ये फाइटर ऐसे फिश है या तो वो खुद मर जाएंगे या मार देंगे, पर ये बर्दाश्त करके नहीं रहने वाले आपके टैंक में। इसी कारण से मैंने इसे पूरा सेपरेट रखा। तो मैं इसके टैंक साइज की बात कर ली, इसके नेचर की बात कर ली है, अब मैं इसके टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इसका टेम्परेचर जो है, ये ट्रॉपिकल फिश है, मतलब आपके करीब 24 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 25 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अच्छा थ्राइव करते हैं। पर चूंकि हम अभी पूरे ठंड में, और यहाँ पर हम हीटर तो लगा नहीं सकते थे छोटे से इलाके में, जगह में, तो 8-9 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, यानी इससे 3 गुना कम, फिर भी ये टॉलरेट कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं था कि टॉलरेट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर दुकानदार बोलते हैं कि हमारे जो फाइटर फिश है वो मर जाते हैं, लेकिन ये फिश मेरे पास करीब 4 महीने से है, और ये ठंड, गर्मी, ठंड सब कुछ बर्दाश्त करके रह रहा है, ये फिश सेपरेट रह रहा। तो इसके टेम्परेचर की बात करें, चूंकि ये ट्रॉपिकल फिश है, तो आप इसमें आप पीएच लेवल इसमें आपका 7 के आसपास रहना चाहिए, ज़्यादा पीएच लेवल हाई नहीं होना चाहिए इसमें। तो अगर आप ऐसे वाटर रखते हैं जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं हो, और वो तो वो वाटर में आराम से सर्वाइव करेंगे। तो इस फिशेस को अलग से आपको कोई एयर पंप देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस पर, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, क्योंकि ये गुरामिस के अंदर में आते हैं, तो इनके पास एक अलग से लेबिरिंथ ऑर्गन है। ये एयर से, एयर को सक करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को ये अपने में इंटेक करते हैं, तो ये इस तरह से सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए मैंने छेद कर दी। इसे अलग, इसको अलग से एयर पंप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चूंकि इसको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, इस फिश को फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। अगर चूंकि ये छोटे से स्पेस में फिल्टर नहीं हो पाता है, तो मैं हर संडे वाटर चेंज कर देता हूँ, ताकि इसे कभी गंदगी फील ना हो। तो टेम्परेचर की बात मैंने कर लिया है, इसके नेचर की बात कर ली, इसे मिनिमम टैंक साइज की बात कर लिया है। अब इसके फूड की बात करें, तो ये फिश जो है ऑलमोस्ट सब कुछ खा लेते हैं। आप फ्रोजन फूड दें, फ्रोजन फूड वो फूड होते हैं जो किसी इंसेक्ट वगैरह को मार के उसको फ्रीज कर दिया जाता है, वो सब फ्रोजन फूड हो गया। फ्रोजन फूड दें, लाइव फूड भी दे सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े उड़े ये सब वगैरह दे सकते हैं, हाई न्यूट्रिशन पैलेट दे सकते हैं इसको, ये फिशेस को। और अगर आपको पहचानना है कि ये फिशेस को, अब इसकी ब्रीडिंग की बात करें, तो ये फिशेस जैसे कि ब्रीडिंग, तो आप कैसे पहचानेंगे ब्रीडिंग करने की इच्छुक है? तो जब ये ब्रीडिंग करने के इच्छुक होते हैं, तो वाटर में छोटे छोटे बबल्स बनाते हैं, एकदम बहुत छोटे छोटे, करीब करीब बहुत सारे बबल्स बनाएंगे, तो आप समझ जाइए ये ब्रीडिंग करने के इच्छुक है। इसको मतलब आप फीमेल बेटा फिश डाल सकते हैं, मेल और फीमेल बेटा फिश डाल सकते हैं। तो इस तरह से ब्रीडिंग कर, जब ये इस तरह से जब आप साइन दिखाएं, तो आप ये नहीं सोचें कि फिशेस बीमार है, ये ब्रीडिंग करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब इसको अगर लाइट की बात करें, तो आप लाइट, एक्वेरियम लाइट दे सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप इसे छोटे से डब्बे में रखें, तो लाइट आप दें इसको, जो भी घर में जो लाइट जल रहा है, चूंकि मैंने छोटा छोटा छेद कर लिया, तो लाइट यहाँ से पास होता है, लाइट आप दे सकते हैं। फिर आप डेकोरेशन की बात करें, तो आप ये फिश आप डेकोरेशन में छोटे मोटे पेड़ पौधे, चूंकि बहुत छोटा साइज है, अगर आप रखते हैं बड़े से थोड़ा सा एक्वेरियम में, तो आप डेकोरेटिव का सामान दें। डेकोरेटिव का सामान अगर देंगे, तो ये फिशेस उसमें बिजी रहेंगे, दूसरे फिशेस को मारने नहीं सोचेंगे। अगर आप हाइडिंग प्लेस दे देंगे, तो फाइटर फिश जो है वो उस हाइडिंग प्लेस में रहेंगे, दूसरे फिशेस को मारने नहीं सोचेंगे। आप अगर उस तरह का माहौल बना के देते हैं, तो आपके एक्वेरियम के बेटा फिश दूसरे फिशेस के साथ भी रह लेंगे, लेकिन आपको वैसा सराउंडिंग देना होगा। कुछ लोग एंजल फिश के साथ भी रखते हैं, तो वैसे आपको सराउंडिंग बनाना होगा, कुछ आप डेकोरेटिव सामान, कुछ हाइडिंग प्लेस, बहुत सारा चीज़ दे दें, ताकि ये फिशेस दूसरे फिशेस के साथ फाइट ना करें। तो जब हम लाइट की बात करें, तो आप इस पर ग्लो लाइट जब देते हैं, वार्म लाइट जो येलो कलर का होता है, तो इसके तेल पूरे उभर के आएंगे, इसके कलर पूरे उभर के आएंगे, तो आप इसे लाइट दे सकते हैं। अब हम इसकी मूविंग की बात करें, तो ये बहुत स्लो मूविंग फिश है, ज़्यादा मूव नहीं करता, तो इसलिए इसको कभी भी पावर फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस फिश के साथ। अगर आप पावर फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये स्ट्रेस में आके मर जाएंगे।
तो आप पावर फिल्टर का इस्तेमाल न करें, इसके लिए आप स्पॉन्ज फिल्टर या फिर टॉप फिल्टर, हाई पावर नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे फिल्टर का इस्तेमाल करें। हैंग ऑन बैक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सम फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम फिल्टर आपको बनाना मुश्किल होगा, तो आप हैंग ऑन बैक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छा इसके लिए माना जाता है स्पॉन्ज फिल्टर। स्पॉन्ज फिल्टर में बबल निकलते हैं, फिशर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता स्विमिंग करने के लिए, तो इसके लिए स्पॉन्ज फिल्टर बहुत सही होता है। फिर मैंने ये फिशेस के बारे में करीब करीब ज़्यादातर बात कर लिया। इसको इस फिशेस को आप अपने स्पीसीज के साथ भी ना रखें, किसी दूसरे स्पीसीज के साथ ना रखें, बहुत कमी फिशेस के साथ रहते हैं। और इसे केयर करना भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसे केवल सुबह शाम सुबह खाना शाम को खाना देके छोड़ दें, अपने हालात में सही से खुश रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं एंजल फिश के बारे में बात करूंगा, तब तक के लिए बाय गाइस।